खबर राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आ रहा है। दरअसल सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश को दो नए सचिव मिले हैं, दो दिन का उनका दौरा है। नए सचिव को पूरे प्रदेश का दौरा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही आने वाले समय में जो गतिविधियां होंगी उनको लेकर चर्चा होगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से मंथन कर छत्तीसगढ़ में पालिका के उपचुनाव पर भी चर्चा करेंगे। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है, डबल इंजन के बाद भी लोग परेशान हैं, कांग्रेस नेताओं का टारगेट कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के बयान पर पायलट ने कहा कि यह तो उनके दल का निर्णय है, केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों को परेशान करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी चुनौतियों के लिए तैयार है। हम सब लोग अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खड़गे साहब ने दो नए सचिव AICC के नियुक्त किए हैं। हमारा दो दिन का दौरा है, आने वाले समय में संगठन की गतिविधियां, रायपुर साउथ का उपचुनाव, विधानसभा का, नगर पालिका के स्थानीय चुनाव हैं, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। कल PCC हमारी बैठकें हैं और अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, हम सब मिलकर मंथन करेंगे। अगले कुछ हफ्ते महीनों का हम रूपरेखा बना रहे हैं, संगठन को और मजबूत करने की तरफ हम कदम उठाने जा रहे हैं। और मैंने अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया है, जो जो जिलों में या हमारे पदाधिकारी जो कम समय दे पा रहे हैं या जो पद खाली पड़े हैं, उनको तुरंत प्रभाव से हम लोग भरना चाहते हैं। मेरे तीनों सहयोगी, एक हमारे जॉइंट सेक्रेटरी पहले से हैं और दो नए सचिव पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे, नेताओं कार्यकर्ताओं से धरातल पर मुलाकात कर कार्यकर्ताओं की अनुशंसा के अनुरूप हम लोग आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। और प्रदेश में जो हाल है वो हम छिपे नहीं हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत जल्दी, आमतौर पर 2-3 साल के बाद इस प्रकार का बिखराव या इस प्रकार की लचर स्थिति पैदा होती है। छत्तीसगढ़ में 9-10 महीने हुए नहीं हैं, लेकिन लगातार सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। और अब तो सरकार के जो खुद के पदाधिकारी हैं, जो विधायक सांसद हैं, वो मुखर होकर बोल रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है, जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और इंजन डबल है, रायपुर का भी है, दिल्ली का भी है, बावजूद उसके यहाँ के लोगों में बहुत परेशानी, खासकर जो किसान वर्ग है, दलित है, आदिवासी है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी हमने कई बार यहाँ पर ज्ञापन भी दिए हैं, धरने भी दिए हैं। कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना, हमारे नेताओं को उनका चरित्र हनन करना मीडिया के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से, सिर्फ ये प्राथमिकता है सरकार की। लेकिन हम हर मोर्चे पर उनसे मुकाबला करेंगे, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी पार्टी लगातार और मजबूती की तरफ बढ़ती जाएगी।